हमने कल पढ़ा था आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के बारे में, और अब देखो आगे, कलर द बिगेस्ट नंबर ग्रीन एंड द स्मॉलेस्ट येलो। हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स दे रखी है ना, इनमें ये नंबर दे रखे हैं, तो हमें बिगेस्ट मतलब बड़ी बड़े नंबर को ग्रीन कलर देना है और स्मॉलेस्ट को येलो कलर देना है। तो देखो 21, 12, 23 और 13 ये दे रखे हैं, तो इसमें देखना है कौन सी बिगेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो बिगेस्ट वाले को तो देना है ग्रीन कलर और स्मॉलेस्ट वाले को देना है येलो कलर। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ी है 23, तो इसको देखिए, इसको देखिए ग्रीन कलर, ग्रीन। और इसमें आगे देखो स्मॉलेस्ट कौन सी है, 12 है, तो इसको देंगे येलो कलर। आपको करना क्या है, जो पेंसिल कलर होते हैं ना, पेंसिल कलर पढ़ना है, जैसे इसमें आपको पढ़ना है ग्रीन कलर और इसमें पढ़ना है येलो कलर, पेंसिल कलर यूज में लेना है। आगे है इसमें देखो, इसमें कौन सा है बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसमें है 99 है, तो इसमें कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन कलर, इसमें ग्रीन कलर। और सबसे छोटा कौन सा है, 89, इसमें येलो कलर है ना। फिर इसमें है, इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें है 88, इसको देंगे ग्रीन कलर। और सबसे छोटी 15, इसको येलो कलर। अब इसमें देखते हैं कौन सा बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो इसमें 100 बिगेस्ट है ये, तो इसमें कौन सा कलर लेंगे, ग्रीन कलर। और अब स्मॉलेस्ट 30, तो इसमें बनेंगे येलो कलर, ठीक है। जी का मतलब ग्रीन और ये सॉरी वाई का मतलब येलो। अब आगे इसमें देखो कौन सा बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो इसमें है 81 बिगेस्ट, तो इसको कलर देंगे ग्रीन। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, 11, इसको देंगे येलो, इसमें बनेंगे येलो कलर, इसमें ग्रीन कलर। आगे वाला देखो, इसमें कौन से है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसमें है 83, ये तो है बिगेस्ट, तो इसमें कलर बनेंगे ग्रीन। और छोटी सॉरी स्मॉलेस्ट है 28, इसमें बनेंगे येलो कलर। ये हो गई बिगेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, ग्रीन का मतलब ग्रीन कलर और येलो सॉरी वाई का मतलब येलो कलर। तो ऐसे आपको कलर बनने हैं पेंसिल कलर। अब देखो आगे, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, राइट द नंबर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब छोटी संख्या को पहले लिखना, जैसे ये दे रखे हैं अपने को 43, 52, 69, 96, तो इनमें देखना है कौन सी छोटी है और छोटी को पहले लिखना है। जैसे सबसे छोटी को यहाँ लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे यहाँ क्या लिखना है, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके। अब देखो इसमें 43, 52, 69, 96, तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी आएगी, 43, ये है फर्स्ट नंबर देंगे इसको। फिर देखो बाद में कौन सी है, 52, इसको देंगे टू नंबर। फिर है 69, इसको देंगे थ्री नंबर। फिर है फोर नंबर आएगी 96, तो ये हो गई वन नंबर पे 43, टू नंबर पे 52, थ्री नंबर पे 69, फोर नंबर पे 96। अब इसमें फिल करते हैं,
फर्स्ट नंबर पे 43, फिर सेकंड पे आएगी, हमें लिख गया 43, फिर उसके बाद में क्या लिखा, सबसे बड़ी 52, देखो 43, फिर बाद में कौन सी आई 43 से 52, फिर उसके बाद में आएगी 63, थोड़ी 52 से थोड़ी बड़ी 69, अब देखो 69 से थोड़ी बड़ी 96, देखो 43 से थोड़ी बड़ी 52, फिर 52 से 69, 69 से 96, तो ये सबसे बड़ी हो गई। फिर आगे 87, 28, 68, 18, अब देखो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 18, ये फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे 28, थर्ड नंबर पे 68, फिर बाद में है फोर नंबर पे, इसके बाद में थोड़ी बड़ी 87, ये फोर नंबर पे। अब देखो इसमें फिर करते हैं, फर्स्ट नंबर पे 18, ये छोटी, फिर बाद में इससे थोड़ी बड़ी है 28, फिर बाद में 28 से थोड़ी बड़ी है 68, 68 से थोड़ी बड़ी है, सॉरी ये सबसे बड़ी है 87, ठीक है, 18 से थोड़ी बड़ी 28, 20 से थोड़ी बड़ी 68, और 68 से बड़ी सबसे 87। अब ये दो है, ये दोनों आपको मैंने जैसे करवाया है वैसे आपको ये दो आपको करना है, ठीक है। देखो हम अब पढ़े थे डिसेंडिंग, पहले पढ़े थे असेंडिंग, मतलब छोटे को छोटी से क्या को पहले लिखा था और बड़ी को लास्ट में, अब करेंगे डिसेंडिंग में, मतलब बड़ी से क्या को पहले और छोटी को लास्ट में। तो ये देखो 33, 63, 13, 23, तो इसमें देखना है अपन को सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी, छोटी को लास्ट में लिखेंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, सबसे बड़ी देखनी है ना, तो 33 ये नहीं है, 63 ये है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर पे होगी 33, इसको देखिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे होगी 23, फोर्थ नंबर पे 13, देखो फर्स्ट नंबर पे ये बड़ी है, फिर इससे थोड़ी बड़ी ये है, फिर थोड़ी देखो सबसे बड़ी 63, फिर इससे थोड़ी छोटी 63 सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी 33, फिर इससे 33 से छोटी 23, फिर सबसे छोटी 30। अब देखो इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी 33, फिर 33 63, फिर है 63, 63 से छोटी 33, सेकंड नंबर पे 33, फिर है थर्ड नंबर पे 33 से छोटी 23, और 23 से सबसे छोटी है 13। देखो 63 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी 33, फिर उससे 23 और सबसे छोटी 13। फिर आगे वाला देखो सबसे 94, 74, 68, 59। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो 94 सबसे बड़ी है, तो इसको देखिए वन नंबर, और फिर देखो टू नंबर पे कौन सी आएगी 68, ये क्या है, इससे
सॉरी 94 से सबसे थोड़ी छोटी, देखो 94 बड़ी, फिर 94 से थोड़ी छोटी 74, इसको 2 नंबर देंगे। फिर देखो 74 से थोड़ी छोटी 68, इसको देंगे 3rd नंबर, और 68 से थोड़ी छोटी 59, ये सबसे छोटी है। देखो अब इसमें फिल करते हैं, फर्स्ट नंबर पे 94 सबसे बड़ी है, 94, फिर 94 से थोड़ी छोटी है 74, 74 ये है 2 नंबर पे। 74 के बाद में थोड़ी छोटी 68, 3rd नंबर पे ये 68 से सबसे छोटी 59, ये देखो सबसे बड़ी 94, और 94 से थोड़ी छोटी 74, और 74 से थोड़ी छोटी 68, और सबसे छोटी 59। इसलिए आपको ये और ये तो आपको खुद को करना है, जैसे मैंने ये करवाया, जैसे आपको ये दोनों भी आपको खुद को करना है। देखो हम पहले थोड़ा नंबर्स के बारे में और जानेंगे, जैसे 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के बारे में। देखो यहाँ दे रखा है 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से लेके 9 तक क्या दे रखे है, डिजिट। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिजिट नंबर। ये कैसे है 1 डिजिट नंबर, देखो ये 0 है ना, ये 0 एक ही है, कितनी बार है, एक ही बार, इसके आगे कोई इधर भी नहीं है, इधर भी कोई डिजिट नहीं है, इसको बोलेंगे 1 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट, इसमें 10, 11, 12, आगे जो भी हो 13, 14, 15, 99 तक जो आएंगे उसको बोलेंगे 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट कैसे है, ये देखो 10, ये 2 है, मतलब 1 और 2, ये 2 डिजिट में है ना, तो इसको बोलेंगे 2 डिजिट नंबर। इसमें तो एक ही है और इसमें 2 डिजिट आए हैं, तो इसको बोलेंगे 2 डिजिट नंबर। फिर आगे देखो 3 डिजिट नंबर, इसमें देखो 100 है, ये 3 डिजिट में है, देखो 1, 2, 3, ये है 3 डिजिट। आगे भी है, आगे वाली संख्या 101, 102, 103, 104 तक, जो लास्ट में 999, उनको क्या बोलेंगे, 3 डिजिट नंबर। इसमें देखो 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, और इसमें 100, मतलब 3 डिजिट है। ऐसे ही हम क्या करेंगे आगे, काउंटिंग 101 से लेके 200 तक क्या करेंगे, अब आगे 3 डिजिट में काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है 100, 102, जैसे 100 ये कितने में है, 3 डिजिट नंबर में, और 101 ये 3 डिजिट में, जैसे 102 आ गया, 105, 110, इसके आगे और भी हो सकते हैं, 120, 112 है, ये 3 डिजिट में। फिर देखो 160, 190, 199, ऐसे हम जैसे लास्ट में 200, तो हम ये हो गए 3 डिजिट में। हम आगे 101 से लेके 200 तक काउंटिंग आगे 3 डिजिट में करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो मैंने जितना करवाया है आपको नोटबुक में करना है, और नोटबुक में काउंटिंग भी करनी है, जैसे 100 से लेके 200 तक बोल बोल के नोटबुक में लिखना है और करना भी है।